बड़वानी पुलिस की कार्रवाई, धारा 188 के उल्लंघन के मामले में डेयरी संचालक के खिलाफ की कार्रवाई। बड़वानी जिला मुख्यालय पर संचालित गोकुल डेयरी के संचालक के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के उल्लंघन को लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भारत सरकार सहित प्रदेश सरकार और कलेक्टर बड़वानी के रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के आदेश है, जिसके तहत सभी को अपने घरों में रहना है। बावजूद इसके गोकुल डेयरी संचालक भागीरथ धनगर बार बार समझाइश देने के बाद भी शासन के निर्देशों की अनदेखी कर अपनी दुकान का देर रात तक संचालन करते रहता है। कल रात भी पुलिस टीम जब गश्त कर रही थी तो डेयरी चालू मिली, जिस पर पुलिस ने डेयरी को बंद कर डेयरी संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई जारी है। रात को 9 से सुबह 5 तक लॉकडाउन रहेगा, सभी को घरों में रहना है। उसके बावजूद जब हम भ्रमण में थे तो उस दौरान गोकुल डेयरी जो झंडा चौक पे है ये खुली पाई गई। इसके संचालक भागीरथ धनगर और नौकर था साथ में, तो वो उनको पूर्व में भी कम से कम 5 से 7 बार समझाई दी थी, लेकिन ये मानते नहीं हैं, हमेशा उल्लंघन कर रहे थे कानून का। तो इनके खिलाफ़ धारा 141, 188 IPC और 51 EPWD के एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सेंधवा, एक और जहां जिले में और सेंधवा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं सेंधवा में लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शहर में आज विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। कई स्थानों पर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क लगाए भी लोग नजर आ रहे थे, तो कई दुकानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था दिखाई नहीं दी, न ही सोशल डिस्टेंस के लोगों द्वारा निशान बनाए गए। जब हमने सेंधवा एसडीएम से इस संबंध में बात करी तो उन्होंने कहा कि हम बार बार लोगों को सूचित कर रहे हैं, नगर पालिका के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे, इसे लेकर हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई है। लोगों को हम बार बार समझाइश दे रहे हैं, नगर पालिका के माध्यम से अनाउंस कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, और लोगों से बार बार यही अपील करते हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, ये जो पॉजिटिव है इसमें कोई डॉक्टर भी? हाँ, जो पॉजिटिव आए हैं उनमें एक BHMS डॉक्टर है।